स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। इसमें से देखो अच्छा लग रहा है। वही देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? आप जानते थे ना कि यहाँ टॉर्चर होने वाला है। आपको अकेले नहीं फंसा था, आप लोग हम सबको फंसा। आप हमको यार यू आर वेरी वेरी सेल्फिश रमा। रमन ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ आने देता क्या? और ना ही हम लोग खुद आते यहाँ पे। यार साहब ये कोई बात बनी? अगर पता होता कि ये रंग बिरंगा शरबत पिलाने वाला है तो हम घर से लोडेड बना के आते ना। अरे पापा ये उसमें भी डालते हैं रसम पायसम चटनी, आप नहीं जानते। अरे सुनो सुनो सुनो, तुम ऐसी टेंशन ले रहे हो रमन। मनी की प्लानिंग इतनी खराब भी नहीं हो सकती। बढ़िया सुंदर प्लानिंग है, दिख रही है मुझे। अरे उसने बोला था ना कि एक हॉट सी सिंगर आने वाली है विद ब्लू आईज एंड ऑल एंड मिनी स्कर्ट की उसने फोटो भी मिनी स्कर्ट की फोटो भेजी थी उसने। यीशु का ऑरस्कोप आज क्या बोल रहा है? परी अम्मा मेरा भी चेक कीजिए ना ऑरस्कोप। हाँ और उन्हें दाऊं तुम्हारा भी देखूंगी। थैंक यू। अयो करना ये थैंक यू क्यों अपनी पार्टी को? आई थिंक क्षितिजा को जरूर कुछ चाहिए। छुट्टी? मैं इतनी सेल्फिश हूँ क्या? मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। मुझे नई अम्मा चाहिए थी, अब पार्टी ने मुझे वो दे दिया। थैंक यू पार्टी। नई अम्मा आएगी, मुझे प्यार करेगी, मेरे साथ खेलेगी, मुझे अपनी गोद में सुलाएगी। कितना अच्छा लगेगा ना पार्टी। तुम बिल्कुल अपनी अम्मा जैसे हो, वैसी बातें करती हो, वैसा ही स्माइल, बिल्कुल मेरी बंदू। ओह नो पार्टी, चलो ना मेरे साथ, चलो ना चिट्टी, चलो 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 किधर? चलो ना, अब किरण आंटी हमारे घर पे आएगी तो हमें उनके लिए स्पेस बनानी पड़ेगी ना, और उनके सामान के लिए भी, उन्हें कंफर्टेबल भी तो होना चाहिए। मैंने कुछ सोचा है, चलो ना मेरे साथ, आओ ना। अरे चलते चलते चलो 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 चलो। चिट्टी देखो अब पाके कबर में तो जगह ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने अपने कबर में जगह बना ली है। अच्छा देखते क्या क्या किया है कान्हा। मैं उन्हें अपना कबर दे दूंगी उनके सामान के लिए। आप रिया तुम अपना कबर दोगी पक्का? हाँ पार्टी मैं अपना कबर दे दूंगी। पीहू भी तो रमन चिट्टा और ईशा चिट्टी के रूम में नहीं रहती। पार्टी तो क्या मैं आपके रूम में रह सकती हूँ? अयो क्यों नहीं कान्हा। ठीक है तो एक काम करते हैं, पहले तुम्हारी कबर्ड खाली करते हैं, फिर सारा सामान पार्टी के कबर्ड में शिफ्ट कर देंगे। ओके शितू। अप्पा आज पता चल गया है मुझे व्हाई डॉटर्स आर सो इम्पोर्टेंट। आई लव यू। आई लव इट यू अप्पा। अरे मनी तुम यहाँ? रमन किसी से मिलना है? पारा ने बुलाया था मुझे। तुम? मुझे बाला नहीं बुलाया था। कमाल है हम दोनों को यहाँ बुला लिया, खुद कहाँ है? डीडी कॉलिंग? नहीं नहीं तुम फोन करो, मैं फोन करता हूँ उसको। अरे मनी हाय हाय सॉरी यार मैं ट्रैफिक में अटक गया, थोड़ा सा लेट हो गया, पर थैंक यू सो मच तुम दोनों यहाँ पर आए। अरे नो प्रॉब्लम। बताओ बाला बात क्या है, सब ठीक तो है? शादी की डेट फिक्स हो गई है अभी अभी अम्मा ने बताया मुझे। सिर्फ डेट फिक्स हुई है और शक्ल देखी इसकी? अरे यार मैंने तुम लोगों को यहाँ पर अपनी हेल्प करने के लिए बुलवाया और तुम लोग मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो यार, व्हाट इज दिस? सॉरी। अच्छा बताओ बाला बात क्या है, हाउ कैन वी हेल्प? मैं समझ गया, तूने कोर्ट मैरिज का आइडिया ड्रॉप कर दिया। वेरी गुड। डेस्टिनेशन वेडिंग गोवा या फिर थाईलैंड? कहाँ बोल रही? मुझे कोर्ट मैरिज ही करनी है रमन। मनी वो तुम कुछ परमिशन लेने वाले थे कोर्ट से, उसका क्या हुआ? हाँ बात हो गई है, सब ठीक है, बस तुम्हें जाके कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है बस। तो कल मैं चलता हूँ तेरे साथ कोर्ट, जितनी फॉर्मेलिटी से पूरी कर लेते हैं एंड देन सेट। या लेकिन शादी की डेट तो फिक्स हो गई, लेकिन शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है जो करनी है। जरूरी काम? कौन सा जरूरी काम? तेरी बैचलर पार्टी? अरे नहीं 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 बैचलर पार्टी नहीं यार, इस बार हर बार फंस जाते हैं हम लोग। नहीं अरे 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 बाला 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 रमन बिल्कुल सही कह रहा है, इनफैक्ट तुम्हारी बैचलर पार्टी मैं ऑर्गेनाइज करूंगा। क्या तुम ऑर्गेनाइज करोगे? इट्स अ बैचलर पार्टी। एक मिनट तुमने मुझे समझ कर रखा है? मैं इतना बोरिंग भी नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं ऐसी बैचलर्स पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा कि यू गाइस विल लव इट। कभी किसी ने ऐसी बैचलर्स पार्टी देखी ही नहीं होगी, आई कैन अश्योर यू।
अरे यार तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? ट्रस्ट मी, मैं इतनी अच्छी जगह जाता हूँ जहाँ पार्टी कर सकते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे एक सिंगर भी है, उसकी आवाज सुनोगे तो यू गाइस विल लव हर। आवाज की छोड़, शक्ल की बता। अरे सिंगर तो अच्छी है ही, लेकिन दिखती भी परी जैसी है। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, लॉन्ग हेयर, ब्लू आईज, शी इज एब्सोल्युटली हॉट। मुझे तो बार बार किडनैप होना चाहिए, किडनैपिंग ने इतना बदल दिया इसको। So, फिर कब चले? अभी चले? पेशेंस पेशेंस माय फ्रेंड्स। देखो वो बहुत ही एक्सक्लूसिव जगह है, वहाँ बुकिंग रहती है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि अवेलेबल है या नहीं। वैसे मैं वहाँ जा चुका हूँ काफी बार और वो लोग मुझे जानते भी हैं, तो फिर मैं एंट्री तो करवा ही दूंगा। यार हमें नहीं पता था कि ये ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर टेक्निकलर भी है। यार रमन तुम मुझे जानते ही कहा हो, मेरे साथ और घूमोगे तो जानोगे। अब तो घूमना ही पड़ेगा। तो भाई मामला सेट है, आज रात को हम जा रहे हैं वहाँ। आज रात नहीं नहीं, अम्मा ने खाना बनाया हुआ है, इन्फॉर्म करना पड़ेगा पहले। अम्मा अम्मा का पल्लू पड़ी घूमेगा यार, शादी कर रहे थे। अरे अरे बाला, रमन इज राइट, आज बैचलर्स पार्टी। रात काली बात काली, कहीं जा रहे हो आप? हाँ वो बाला की बैचलर्स पार्टी है ना। ओ, ओके। तू नाराज तो नहीं है ना यार? क्योंकि सॉरी सब अचानक प्लान हो गया यार, इसलिए तुझे बता नहीं पाया, मौका नहीं मिला। नहीं चूक के मैं नाराज क्यों होंगी, आप जाओ। बाय द वे तुझे पता है पार्टी ऑर्गेनाइज किसने की है? मणि ने। मणि बड़ा छुपा रुस्तम है यार, कोई एक्सक्लूसिव क्लब है जहाँ वो अक्सर जाता है, वहाँ ले जा रहा है हमें। मणि किसी क्लब जाता है जहाँ आपको? क्लब में जहाँ क्या क्या है तुझे क्या बताऊँ मैं? क्या है? क्या है? क्या क्या है क्लब में? मुझे क्या बताऊँ मैं? अच्छा क्या क्या ड्रिंक्स और एम्बियंस और क्या होगा? तू पागल है? ऐसी किसी कभी कर नहीं गई? ज्यादा उड़ना नहीं। कैसे उड़ूंगा बेटा, तेरा पति पर तो तूने पहले उतर दी है, उड़ने लायक छोड़ा कहा है? अच्छा सुन, मुझे आने में देर हो जाएगी, तू सो जाना ठीक है? आप जो एंजॉय करो। ऐसा लग कैसे रहा हूँ? वेरी नाइस। रात काली बात काली, लेकिन ये मेरी वाली काली मां शांत कैसे हो गई? ऐसा तो नहीं कि औरतों ने कुछ प्लान किया और मैं बाय। मुझे बताना तो था रमन को उस निखिल और ऋषि वाधवा के बारे में, पर अभी इतनी खुश है तो कल सुबह, जब तक इस गुत्थी को नहीं सुलझा लेती मुझे भी शांति नहीं मिलेगी। शेर वाला, ये मणि तो बड़ा छुपा रस्तम निकला यार। बेवार में इसी तरह से गुणगान करती है, अंदर से तो बड़ा रंगीन निकला यार ये। तुम्हें क्या लग रहा है कि एंटरटेनमेंट का सारा ठेका पंजाबियों ने ले रखा है? अरे भैया हम मद्रासी भी काफी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होते हैं। हाँ पता है, कढ़ाई में बिठाते हो, दूल्हे को तेल से तलते हो, ये तो तू मेरी संगत में कैसा हो गया? हाय हाय, जगह तो अच्छी लग रही है। हाँ आयु जी, तुम मणि पहुंच गया हो? हाँ मणि पहुंच गया होगा शायद, उसको इसका मैसेज आ रहा है। ये क्या क्या भेजा उसने, ये सीधा किधर से? अब ये वो स्कर्ट का फोटो जो सिंगर ने पहनी होगी। क्या हो गया मणि को, इसका दिमाग खराब है? एक हर्ट ऐसी है तो सो सिंगर कैसी? वड़कम वड़कम, तो कैसा लगा है ना? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आओ आओ कम। हाँ अरे आओ कम कम। आई डोंट वांट टू कम, इसको बोल। चलो बोले राजा, कम ऑन। ए क्या हो रहा है यार, आओ ना कम कम कम। अरे सिट 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 सिट, बैठो ना यार। यार ये मणि ने तो बिना पूंजी के हमारी बजा दी, कहां फंस गए हम लोग? तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज?
सरप्राइज हो गए तुम दोनों। यस सरप्राइज था। मैं जानता हूँ कि क्लासिकल कर्नाटक म्यूजिक तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए स्पेशली ये रिसाइटल तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज किया है मैंने। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये एक स्पेशल गिफ्ट है, बैचलर्स पार्टी गिफ्ट। वाओ। अच्छा मैं अभी आता हूँ, यू गाइस गेट कंफर्टेबल। या ओके थैंक यू। कहाँ फंस गए मतलब? तुझे कर्नाटक म्यूजिक पसंद है तूने इसको? अरे मुझे पसंद है कर्नाटक म्यूजिक, लेकिन बैचलर्स पार्टी के लिए नहीं है। तूने मद्रासियों की क्या हमलों को क्यों बता दिया? अब आगे क्या करना है? अब आगे क्या करना है? So, क्या हुआ, सब ठीक है ना? Oh, yeah, yeah, ready to rock. वो सिंगर कहाँ है तुम्हारी? तुमने कहा था हॉट है। अरे पेशेंस। यही है वो तुम्हारी हॉट सिंगर? नहीं नहीं ये नहीं है, आने वाली डोंट वरी। और उसकी आवाज सुनोगे तो तुम दोनों मंत्र मुग्ध रह जाओगे। कौन मुक्त हो जाएगा? वेरी फनी। नो सीरियसली। अच्छा मैंने जैसे कहा था कि वो बहुत डिमांड में है, फेमस है। इनफैक्ट मैंने खुद जाके इनवाइट किया है उन्हें, तब जाके आई है, वरना और भी इनवाइट्स थे। तो वहां क्यों नहीं चला गया? ये पीछे छोटा कानपुर आया, कुछ बोलना चाहता है। अच्छा अच्छा मैं भी आता हूँ। ठीक, अगर तू चाहता है कि तेरी शादी में अटेंड करूँ ना और जेल में ना, तो मुझे यहाँ से ले चल, या तो इसको यहाँ से भेज दे। बहुत ही शानदार इंतजाम किया हुआ। आइए आइए आइए। अच्छा रमन बाबा वहां पर है, आप जाइए उनसे मिलिए, मैं भी आता हूँ। ओके तो चलो हम लोग निकलते हैं। चला जा, चुपचाप निकले। कुत्ती ये तो चलो हमें प्लीज। रमन यहाँ तो बाला की बैचलर्स पार्टी होने वाली थी। ये बैचलर्स पार्टी ही है क्या? है दूल्हे के डिमांड पे कर्नाटक म्यूजिक बज रहा है। के पत्ते नहीं पहन के आए तू आज? अरे यार मुझे ना मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है, कुछ है क्या? मैं चेक करती हूँ ना फ्रिज में। है? फ्रिज में तो कुछ नहीं है। फ्रिज में कुछ मीठा नहीं है खाने के लिए? इसे क्या हुआ? मुझे लगता है कि चीजों की वजह से परेशान है आपका। याद है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था बैचलर्स पार्टी पे? अच्छा रुक अभी मजे देख। इशिता तू बता ना क्यों होया? क्या हो गया? कोई भी है? मतलब क्या? आई नो, मुझे पता है आप जीजू की वजह से परेशान हो ना। नहीं वो अम्मा तो, अरे आलिया तुम्हें नहीं पता ये बैचलर्स पार्टी और जीजू की ना हिस्ट्री है। तुम्हें पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था? रेड पड़ गई थी इनकी बैचलर्स पार्टी पे और पुलिस इन सबको घर पर लेकर आई थी। What? Seriously? हाँ, seriously. Yes. अब इस बार पता नहीं क्या रोल अप आने वाला है ये सब। भाई बैचलर पार्टी तो बाला की है, लेकिन भाई भी कुछ कम रंगीन नहीं है क्यों इशिता? अरे अक्का आप एक काम करो ना, जीजू को फोन लगा के पूछो। अरे पता तो करे वहाँ के चल क्या रहा है। मैं किसी को फोन नहीं कर रही हूँ, मणि है उन लोगों के साथ। मुझे पूरा भरोसा है कि ये लोग कितनी भी कोशिश कर ले मणि इस सिचुएशन को आउट ऑफ हैंड जाने ही नहीं देगा। इसमें से देखो अच्छा लग रहा है। वही देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? आप जानते थे ना यहाँ टॉर्चर होने वाला है, आपको अकेले नहीं फंसा था, आप लोग हम सबको फंसा, आप हमको यार यू आर वेरी वेरी सेल्फिश है रमन। रमन ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं पता था, अगर पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ आने देता क्या? और ना ही हम लोग खुद आते यहाँ पे। यार सर ये कोई बात बनी? अगर पता होता कि ये रंग बिरंगा शरबत पिलाने वाला है तो हम घर से लोड़े बना के आते ना। अरे पापा ये उसमें भी डालते रसम पायसम चटनी, आप नहीं जानते। अरे सुनो 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 तुम ऐसी टेंशन ले रहे हो रमन, मनी की प्लानिंग इतनी खराब भी नहीं हो सकती। बढ़िया सुंदर प्लानिंग है, दिख रही है मुझे। अरे उसने बोला था ना कि एक हॉट सी सिंगर आने वाली है विद ब्लू आईज एंड ऑल एंड मिनी स्कर्ट की उसने फोटो भी मिनी स्कर्ट की फोटो भेजी थी उसने। ओह वेरी नाइस, अमेजिंग अमेजिंग। सो मिस्टर दूल्हे राजा आपके इस खास बैचलर पार्टी के लिए पेश करते हैं कुछ खास। प्रेजेंटिंग टू यू मशहूर जानी मानी कोयल से भी मधुर कंठ वाली मिस के एस बनाजा।
शीला की जवानी की बातें करके शशिकला को लाया ये। I am so excited. Sorry. मुझे एक बात बता। तूने कहा था कि बहुत खूबसूरत परी जैसी काले घने बालों वाली चील से घेरी आंखों वाली सिंगर आएगी और ये तू किनको लेकर आया? रमन 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 मन की आंखों से देखो। मन की आंखों में ही सारी सुंदरता होती है। देख इनकी आंखें जो है ना झील जैसी घेरी है। डूब जाऊंगा जाके। हाँ मैं मानता हूँ कि इनके बाल थोड़े सफेद हैं लेकिन इनकी वाणी सुनकर तू समझ जाएगा कि मतलब कितनी सुंदर है। वाणी की बेटी? नहीं वाणी मतलब आवाज। हाँ मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जा। ओके कम ऑन एंजॉय योरसेल्फ। एक तो मंत्रमुग्ध क्या होता है? ये मंत्रमुग्ध क्या होता है यार? ये बात बात में मंत्रमुग्ध बोल के चले जाता है कुछ ना कुछ। सुन सुन तेरी सजा है ये। बड़ा शौक था ना क्लासिकल म्यूजिक सुनने का। मेरी अच्छी खासी बैचलर पार्टी को तो इसने क्लासिकल म्यूजिक कहाँ गई मेरी रॉकिंग और साथ में हमारी भी पूरी शाम की झंड कर दी इसने यार। ये देखिए सारे मद्रासी मेरे लड़का सेंटर पर। इशू का ना तू पागल है क्या? इशू का फोन उसको पता चल गया ना बाकी हम लोग ऐसी पार्टी में पूरी जिंदगी मेरे पैसे की। मैं नहीं उठाऊंगा फोन। उसको लगना चाहिए कि हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हाँ बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। क्या बोलूँ उसको कि उल्टे उल्टे मटके सुन रहे हैं बैठ के। अका जीजू ने फोन नहीं उठाया ना वहाँ पे ना ये लोग सब मजे कर रहे होंगे। आई एम सो श्योर। मुझे तो लगता है अब तक ना सब लोग टल्ली हो गए होंगे। पता नहीं कैसे कैसे डांसर वांसर को बुलाया होगा पक्का। ऐसा कुछ भी नहीं है अप्पा ना ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो लोग ना सिंपल एक पार्टी कर रहे होंगे। आप लोग ज्यादा सोच रहे हो। तेरे अप्पा ना जैसे भी हैं लेकिन मैं अपने भाई को अच्छे से जानती हूँ। वो अपना इंतजाम ना कर ही लेता है। भाई बिना पिए कहाँ एंजॉय करता है वो। नहीं मुझे ना नींद बहुत आ रही है। मैं थक गई हूँ। मैं जाके सो। डोंट माइंड। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। लगता है इश्ता अपसेट हो गई है। हाँ अब तो भाई की कहनी। अब मैं सिमी वो और मेका चित्ती को क्या बताऊँ कि अम्मा रूही को लेकर कितनी परेशान है। रूही ने आज जो भी किया उसके बाद अम्मा बहुत डर गई हैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।